हम सभी सौभाग्यशाली हैं, अतिथि हमारे बीच अपना उद्बोधन देंगी दीदी माँ। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुभिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। बोलिए सर्व मंगला मात की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, अखंड भारत की, आज के आनंद की। मुझे बहुत आनंद है आप सबका दर्शन करके। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से जिनका चित्त संस्कारित हुआ और जो देश धर्म समाज के प्रति अपने उत्तर निभाने के लिए, उत्तरदायित्व निभाने के लिए घर से बाहर निकल के समाज की संगठनों में लगी, ऐसी सभी मातृशक्ति का ये संगम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर भगवती गंगा, सरस्वती और यमुना जी का दर्शन कर रही हूँ। मैं मंच की गरिमा को वंदन करती हूँ, हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजू राठी जी, आदरणीय प्रतिमा लाकड़ा जी, वीना पांडे जी और मेरे सम्मुख बैठी जो मातृशक्ति है। मैं आप में भगवती जानकी और अपमानिता द्रौपदी जो केश खोलकर दुशासन की छाती के लहू से अपने केशों को संवारने का संकल्प करती हैं, और वो अनसुईया माँ जो त्रिदेवों को नन्ना बच्चा बनाकर अपनी छाती का दूध पिलाने की सामर्थ्य रखती हैं, और वो सावित्री जो धर्मराज के पीछे पीछे सत्यवानों के प्राण को वापस लाने का संकल्प सिद्ध करती हैं, आज मैं वो सारी मातृशक्ति का आप में दर्शन करती हूँ। हम अभी आदरणीय डॉक्टर अंजू को सुन रहे थे, भारतीय सनातनी व्यवस्था, नारी की सनातनी व्यवस्था, सारे विश्व के अंदर भारत की स्त्री का एक अपना सम्मानजनक स्थान रहा है। ये देश भारत भूमि है, अगर यहाँ की देवहूति ने स्वयं के कल्याण की कल्पना की तो वो किसी गुरु के चरणों में जाकर नहीं बैठी, अपितु अपने ही पुत्र को कपिल देव के रूप में उन्होंने जन्म दिया और उसको ही अपना उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला बना दिया। ये भारत की स्त्री है, इसका परिचय अद्भुत है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशौणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रत्न सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, तुलसीदास का अमर काव्य हूँ मैं, तुलसी की रामायण, अमृत वाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा भावनी, आल्हा का हूँ तारा हूँ, सूरदास का मधुर गीत मैं, मीरा का एक तारा हूँ, वरदाई की अमर कथा हूँ, रणगर्जन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, भारत की नारी
निराश्रित कभी नहीं रही, अपितु अगर जगदीश्वर को भी आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ी तो वो भारत की नारी की कोख में राम बनकर, कृष्ण बनकर, हनुमंत लाल बनकर स्थान स्थापित कर पाए, प्राप्त कर पाए। जब स्त्री को निराश्रित कहा जाता है तो मुझे आश्रय होता है, क्योंकि वो जगदीश्वर की आश्रय लायनी है, फिर वो निराश्रित भला कैसे हो सकती है। हाँ, मर्यादा बांधती है क्योंकि पिता के सम्मान की उसे फिक्र होती है। हाँ, मर्यादा बांधती है, उसे पता है कि समाज में काम करने के साथ साथ मुझे मेरी संतानों को भी मनुष्य बनाना है, उनमें मानवीय भाव भरना है। हाँ, वो पति के साथ अर्थ की दृष्टि से खड़ी होती है, लेकिन उसे मालूम है कि अर्थ कमाने से ज्यादा मेरे संबंधों का अर्थ है। अगर अर्थ के चक्कर में संबंध का अर्थ समाप्त हो गया तो मैं मरुधरा की सरस्वती बन जाऊंगी, और भारत की नारी मरुधरा की सरस्वती कभी नहीं बनना चाहती। वो तो कल 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 करती गंगा की तरह प्रवाहित होना चाहती है अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। हाँ, जिसकी चर्चा भी अभी हम आदरणीय अंजू जी से सुन रहे थे। मध्यकाल आया, राजनैतिक गुलामियों का काल आया, नारी के सम्मान के ऊपर चोट पहुंचाई गई, तब भारत के पुरुष समाज या जितने भी हमारी सामाजिक ताना बाना था वहाँ कुछ मर्यादाएं हमारे लिए निश्चित करना जरूरी हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ बाल विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब पापी आतताई और दुराचारियों के द्वारा पुत्रियों का अपहरण होना प्रारंभ हुआ तो बाल विवाह का ये उस समय के संकट का समाधान हमारे सामने आया। और बहुत सारी ऐसी बातें जो कोख में बेटियां मारी गईं उसका एक लंबा काल चला। आपने मुझे अभी सुना, मेरा परिचय देते समय लोगों ने कहा रितंभरा आई हैं, दीदी माँ आई हैं। मैं दीदी माँ क्यों हो गई? क्योंकि मैंने अस्पतालों के पार्श्व में कचरों के ढेर पर रुदन सुने थे, वो कन्याओं के रुदन थे। मैंने पूछा था तुम कौन हो? उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ, मेरी माँ ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया और मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? मैंने कहा मैं करूंगी, घर घर जाऊंगी, अलख जगाऊंगी। मानवी तू सर्पनी नहीं है, क्योंकि सर्पनी अंडे पैदा करके तुरंत अपने अंडे खा जाती है, तू तो मानवी है, तू तो जीवन देने वाली, प्राण दाता, तू तो जीवन देने वाली, जीवन का मर्म बताने वाली, तू जीवन का माधुर्य है, तू गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बात स्मरण रखना देवियों, अगर शरीर पर कोई फोड़ा पैदा हो जाता है ना तो इलाज फोड़े का किया जाता है, शरीर का विरोध नहीं किया जाता। हमारे समाज जीवन में अगर कोई कुरीति, अगर कोई दुष्वृत्ति आई, वो समाज के शरीर पे फोड़े फिंसी के अतिरिक्त और ज्यादा अस्तित्व नहीं रखता। इसलिए भारतीय नारी समाज के अपने अस्तित्व को स्पष्टता से समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे को लगातार बताया गया स्त्री गुलाम रही, स्त्री गुलाम रही। आप भारत के वांग्मय को उठाइए, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मध्य प्रदेश, वो प्रांत छोड़ दीजिए जहां मुगलों के आक्रमण हुए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, महाराष्ट्र की देवियों का दर्शन कीजिए, दक्षिण की स्त्रियों का दर्शन कीजिए। यहां हम जूझते रहे, इसलिए हमारे लिए कुछ कुछ चीजें प्रतिबंधों के रूप में सामने आई, लेकिन भारत की नारी का शाश्वत ज्वलमान स्वरूप बड़ी प्रतिष्ठा रखता है। आप क्या समझ रहे हो? लंका की प्राचीरों में आग लगा के उस सोने को पिघला के सागर में क्यों बहा दिया गया? देवियों,
क्यों विरत राम भालू बानरों को लेकर एकत्रित होकर विश्व की दुर्दमनीय शक्ति का दमन करने के लिए क्यों सन्नद्ध हुए थे देवियों? बोलो ना, वो क्यों, क्या कारण था? वो मात्र जानकी जी के सम्मान की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया गया। द्रौपदी की चीतकार, वो विश्व भीष्म पितामह की विवशता किसी को स्वीकार नहीं हुई। कितना बड़ा सम्मान जानती हो देवियों? जटायु को मृत्यु के समय में श्री राम की गोद मिली है देवियों, लेकिन भीष्म पितामह को शरशय्या पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी है देवियों। क्यों? क्योंकि जटायु जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कुल की कुलीनता भी नहीं थी, लेकिन महात्मा जटायु ने अपहरण की जा रही जानकी जी का विरोध किया रावण का, और चंद्रहास खड़ग से पंख कट गए, धरती पर गिर गए, रक्त रंजित हो गए। श्री राम ने जैसे ही देखा उनको गोद में ले लिया, उनके कमल नेत्र उनके लोचनों से अश्रुपात होने लगे। श्री राम कहते हैं, तात मैं आपको जीवन दे दूं, मैं आपको जीवन दे सकता हूं। लेकिन जटायु जी ने कहा, नहीं श्री राम, जानकी जी के सम्मान की रक्षा में मेरा उत्सर्ग हो रहा है, इससे सुंदर मृत्यु भला और क्या हो सकती है। और उधर भीष्म पितामह शरशय्या पे लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौरवों की सभा में वो द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए जैसे मुखर होना चाहिए था, वो मुखर नहीं हो पाए, विवश रहे। और उस विवशता का दुष्परिणाम था कि शरशय्या पर लेटकर उनको मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। भारत के वांग्मय को पढ़ लीजिए, वो मातृ सम्मान, वो माँ का सम्मान। मेरे देश की स्त्री का कामनी रूप थोड़ी देर का होता है देवियों, पर उसका मातृत्व शाश्वत होता है। इसलिए आज मैं इस नारी संगम में आई सभी संगठन की देवियों से अनुनय निवेदन करने नहीं आई, मैं तो आकर्षण करने आई हूँ कि आप भारतीय संस्कारों से पगती हो, आप भारतीय भेष का सम्मान रखती हो। और कदाचित देवियों तुम भारतीय बनी रहोगी तो तुम्हारे भारत के ऊपर कोई कुदृष्टि रखने का साहस कर नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे माथे की बिंदी, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र, तुम्हारे चरणों की पाजेब, ये तुम्हारे बंधन नहीं है देवियों, ये तुम्हारे आभूषण भी नहीं है, ये कर्तव्यों का शंखनाद है। और हम स्त्रियां अधिकारों के लिए नहीं लड़ती अपितु कर्तव्य निभाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, तने अंगीकार करो मन स्वीकार करो, लोग मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दूं सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन अहम का विसर्जन लो, स्वप्न ले लो जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। वो वियुक्ता थी, वो पति से वंचिता थी, वो राजा राम का किया कर्तव्य था, अकेली थी, जंगल में थी, वाल्मीकि जी के आश्रय में थी, लेकिन बेचारी नहीं थी, लाचार नहीं थी, असहाय नहीं थी, रो नहीं रही थी। संताने बना दी लवकुश, और उन्होंने जब अयोध्या के राजभवन में रामायण गाई तो सारी अयोध्या नगरी पश्चाताप की आग में झुलसने लगी, और आंखों से टप 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 आंसू ऐसे बहने लगे जैसे निर्जन वनस्थली में ओस की बूंदें टपकती हो। बता दिया जानकी ने कि पति से बिलग रहकर भी मैं ऐसी संतानें तैयार कर सकती हूँ जो भारत भूमि का गौरव बन सकती हैं, राष्ट्र के उत्कर्ष में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए असहाय स्त्री
असहाय स्त्री, बेचारी स्त्री, निराश्रित स्त्री, ये सब भारत की नारी को ये शब्द शोभा देते नहीं है। इसलिए अपने उस स्वरूप का दर्शन करके जब आप भूमिका निभाती हो तो फिर विद्यावती हो जाती हो। जानती हो ना, भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूलने से पहले माँ से वचन लेते हैं, माँ रोना मत, तेरा बेटा बलिदान देने जा रहा है। पर माँ की आंखों से आंसू निकले, लोगों ने कहा विद्यावती बलिदानी के माँ है और रो रही है। तो विद्यावती कहती है अपने पुत्र की बलिदान पे नहीं रो रही हूँ, उसकी शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। वो नन्ना ही तो था देवियों, वो छोटा ही तो था, वो छोटी दुदमुही मुस्काने ही तो थी, छोटा सा शिवा। माँ तेरा जन्मदिन है, माँ आज तेरा जन्मदिन है, मुझे तेरे जन्मदिन पे कुछ देना है। तो जीजा ने कहा पुत्र तू मुझे क्या देगा, तू अभी इतना छोटा, माँ बोलना मैं तेरे लिए क्या उपहार दूं। तो वो साधारण तो नहीं थी ना जीजा भाई, सिंहगढ़ के द्वार पर, सिंहगढ़ के उस किले की प्राचीर पे देख पुत्र फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या अपनी माँ को ये उपहार देगा। नन्हे संतानों के चित्त में उत्कर्ष के, बलिदान के, उत्सर्ग के, त्याग के, प्रतीक्षा के, संस्कार के बीज बोने वाली माँ तू धन्य है, और तेरा दर्शन करके हम कृतार्थ हैं। जीवन के माधुर्य को बनाए रखना, जीवन की शुचिता के पर आंच मत आने देना। तथा कथित सफलताएं कुछ नहीं देती देवियों, अगर चित्त खोखला हो जाए अपने संबंधों के साथ। प्रीत और प्रेम कर्तव्य निभाने में आंसू बहते हैं, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उपेक्षा होती है, अपमान होते हैं, लेकिन उन अपमानों में तुम बिखरती नहीं हो। अभी अंजू जी सिंह को सुन रहे थे, पत्थर जो चोट खा के टूटता है वो बिखरता है देवियों, लेकिन चोटों को जो सह जाता है वो निखर जाता है, और निखरना ही तुम्हारी प्रवृत्ति है। चमकना, तेजस्वी होना ही तुम्हारा ध्येय और तुम्हारी नियति है। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जीवन में वह सारी दुश्वारियां, भारत का विकास हो रहा है, देश की बेटियां आसमान पर परचम लहरा रही हैं, और अभी पिछली बार जब 26 जनवरी को 15 अगस्त को पुत्रियों ने अपने अपने शौर्य और धैर्य, दो बातें होती हैं, मैंने शौर्य धैर्य दोनों देखा देवियों। तुम जानती हो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, शौर्य की जरूरत थी, हम लोगों ने शौर्य भी व्यक्त किया। मैं उस समय 50,000 कॉलेज की लड़कियों को लेके अयोध्या पहुंची थी, राम जी बना रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। और आज आप जैसी किसी देवी ने जन्म दिया होगा ना, देश का नेतृत्व जिनके हाथ में है, नरेंद्र भाई, वो माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि अपनी पीड़ा अपनी नहीं, राष्ट्र की पीड़ा अपनी पीड़ा है। इसलिए स्मरण रखिए, आप कहते हो कि आप बेचारी हो, घर में रोब तो आप ही का चलता है, ये जो बेचारे बाहर सीना तान के चलते हैं, ये मूछ ऊंची रखते हैं दुनिया के सामने, पर जब तुम्हारी तेजस्विता झेलनी होती है तो आंखें नीची हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है घर की मालकिन तुम ही हो। देश नहीं, भारत की बात कह रही हूँ, भारत देश की बात कह रही हूँ। सारे संसार की स्त्रियों को देख लेना देवियों, वो सीधी सपाट है, उनमें स्त्रीत्व कहीं विदा हुआ है, क्योंकि पुरुष की कार्बन कॉपी बनना ये स्वयं की हत्या है, और भारत की नारी कभी आत्महत्या कर नहीं सकती। गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, अपनी अपनी
अपनी अपनी महिमा रखता है। इसलिए भारत की स्त्री ने सारे विश्व की स्त्री को जागृति का गीत देना है। बहुत संख्यक बहुत तुम्हें अभी क्या मिल रहा है, बहुत सारी जिसकी बात कर रही थी आदरणीय अंजू जी, आपको अधिकार मिल गए पार्लियामेंट में जाने के, अधिकार मिल गए, समस्त जगह जाइए, वहाँ काव्य होगा, वहाँ रचनाएं होंगी, वहाँ गुनगुनाओगी तुम, नए नए सृजन करोगी तुम, आसमान में उड़ोगी देवियों, पर आसमान में लगातार उड़ते बनेगा नहीं, तुम थकोगी देवियों, फिर वापिस नीचे एक गरौंदा चाहिए होगा जहां अपनों के बीच में बैठ के तुम्हें विश्रांति मिलेगी। उड़ान भरना पर अपने गरौंदे को आग लगा के ये कीमत कभी मत चुकाना, इतना ही निवेदन करती हुई मैं लोक परलोक घर और बाहर सबको संभालने की तुम में सामर्थ्य है। आप सबके बीच में आकर मुझे बैठने का अवसर मिला, इसीलिए कितनी दूरी है, कोई दूरी नहीं है, क्या मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है, स्वयं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगी तो पूरा समाज तुम्हारा सम्मान करेगा। और भारत के पुरुष तो सीट पे बैठते भी नहीं है, अगर तुम खड़ी होती हो तो वो इज्जत से आपको स्थान देते हैं, इसलिए उन पुरुषों के प्रति भी चित्त में कोई भी द्वेष रखने का कोई कारण कभी रहा नहीं। हाँ, छोटी छोटी मानसिकता ऐसी रहती है, उससे धीरे धीरे समाज ऊपर उठ रहा है और वो भी आप ही ने बनाना है। अभी अंजू जी बता रही थी तो दादाजी ने भोजन नहीं छोड़ा है ना, उनके जन्म पे दादी ने छोड़ा, इसका अर्थ क्या है, स्त्री को स्त्री के प्रति सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो स्त्री स्वयं का सम्मान करना नहीं जानती वो कभी भी दूसरी स्त्री का सम्मान कर नहीं पाती। इसलिए अपना सम्मान स्वयं करो देवियों, तुम्हारे लिए कोई दूसरा पुरुष बाधा नहीं है, लेकिन स्त्री को अपने अस्तित्व की इज्जत करना सीखना है, या फिर समझती तो है पर थोड़ी चूक जाती है। कोई बात नहीं, हम भी तो मानवियां हैं, कभी कभी चित्त में ऐसे भाव आना स्वाभाविक होता है, पर अपने गौरव को अपनी गरिमा को वाणी को विराम देने जा रही हूँ। तुम वात्सल्य का विग्रह हो देवियों, तुम जीवन का माधुर्य हो देवियों, अपनी संतानों की लोरी मत छीन लेना देवियों, बुजुर्गों की लाठी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है देवियों, इसलिए तुम दीप्त हो, तुम यज्ञ हो, तुम यज्ञ का फल हो देवियों, तुम सत्य हो देवियों, सत्य की धारक भी हो देवियों, संघर्ष है देवियों लेकिन प्रशस्त है मार्ग तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बात कह के वाणी को विराम दे रही हूँ, कहीं दौड़ के मंजिल नहीं मिलेगी देवियों, तुम जहाँ हो मंजिल वही है देवियों, मंजिल तुम्हारे चरण चूम रही है। अपने घर का सद्भाव, समाज का संगठन और जरूरतमंदों को अपना धन अर्पित करती रहो, निश्चित रूप से भारत का कल्याण होगा। आप सबके बीच में आपने मुझे धैर्य से सुना, घड़ी मेरे पास थी नहीं, आयोजकों ने बताया ही नहीं कि मुझे कितना कहना है, जो भी है आदरणीय ओम प्रकाश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी आपको भी धन्यवाद, संघ के सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, और अम्बेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आपको भी वंदन करती हूँ, और मुझे धैर्य से सुना, धन्यवाद।